गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट चैप्टर नंबर 9, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सरसाइज, अभी तक हमने इस चैप्टर के अंदर 4 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली हैं। जैसे हमने इस एक्सरसाइज में मेन क्या किया था पिछली बार कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, डिफरेंशियल इक्वेशन से हमें क्या फाइंड करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन से फाइंड करना है जनरल सोल्यूशन। उसके तीन मेथड है। एक मेथड तो मैंने आपको कंप्लीट हो गया है 9.4 में कि वेरिएबल सेपरेबल। अब नेक्स्ट मेथड आता है होमोजेनियस इक्वेशन। अब होमोजेनियस इक्वेशन हमें गिवन मिलेगी, उससे क्या फाइंड करना, हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल की फॉर्म है या लीनियर फॉर्म है या होमोजीनियस है? तो मैं इसको पहले चेक करने का, किसी भी डिफरेंशियल को चेक करके चेक करना पड़ेगा कि ये डिफरेंशियल है या वेरिएबल सेपरेबल है, मतलब या लीनियर है। तीनों फॉर्म में से, होमोजीनियस में से कौन सी फॉर्म है? तो एक एग्जांपल से मैं क्लियर करता हूं कि ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये इक्वेशन होमोजीनियस इक्वेशन है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लिया, यहां से मैं इसमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डीवाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डीएक्स, ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। ठीक है, इसमें क्योंकि एक डेरिवेटिव है तो डिफरेंशियल इक्वेशन है। कितने ऑर्डर की? वन ऑर्डर। ओके, अब बात आती है कि इसको हमें कैसे पता चले कि होमोजीनियस है या लीनियर है या वेरिएबल सेपरेबल है, तीन में से एक फॉर्म कौन सी है। अब हमें पहले तो हम चेक करते हैं कि वेरिएबल सेपरेबल है या नहीं है। उसको कैसे चेक करते हैं हम, एक साइड डीवाई एक साइड डीएक्स। ओके, डीवाई की साइड सारी वाई की टर्म्स हम कर सकते हैं या निला सकते हैं? हमने चेक किया, नहीं पॉसिबल है, क्योंकि एक्स और वाई दोनों की टर्म्स है डीवाई की साइड और एक्स और वाई दोनों की टर्म्स डीएक्स की साइड है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि डीवाई की साइड सारी वाई की टर्म्स कर दें और डीएक्स की साइड सारी एक्स की टर्म्स कर दें, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब नेक्स्ट वेरिएबल सेपरेबल नहीं है। तो हम चेक करेंगे कि ये होमोजीनियस है या नहीं है। चेक करने के लिए पहला काम क्या करेंगे, dy by dx फाइंड करेंगे। तो dx dy by dx आया तो x square plus y square upon में x square plus xy, ये फॉर्म आ गई। ये फॉर्म आने के बाद अगला स्टेप, अब हमें इसको क्या करेंगे, ये एक फंक्शन है जो x और y दोनों में है, तो इसको एक नाम दे दिया, लेट एक फंक्शन नाम दे दिया जो f ऑफ x और y में है, तो x square plus y square एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एक फंक्शन नाम दे दिया एफ ऑफ जो एक्स और वाई दोनों में है। ओके, अब स्टार्ट करते, पहले मैं चेक करना सिखा रहा हूं कि होमोजीनियस को चेक कैसे करें, प्रूव कैसे करें या वेरीफाई कैसे करें कि होमोजीनियस इक्वेशन है। इसीलिए मैं पहले मेथड बता रहा हूं कि पहले इसको होमोजीनियस चेक कैसे करना है। देखिए, पुट एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, वाई इज इक्वल टू लैम्डा वाई, f of lambda x comma lambda y is equal to lambda square x square plus lambda square y square upon me lambda square x square plus lambda x lambda y, clear? फिर वापिस रिपीट कर रहा हूं मैं, मैंने क्या पुट किया यहाँ पे, x की जगह lambda x और y is equal to lambda y, तो lambda x lambda y, तो x का whole square means lambda square x square lambda square y square lambda square x square lambda x lambda y, clear? अब क्या हुआ, f of lambda x comma lambda y is equal to, ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, lambda square x square plus y square upon, denominator से क्या कॉमन आ रहा है, lambda square lambda 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 square कॉमन आ गया, x square plus x y, ये हो गया। अब यहां से लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कैंसिल कर दूं, या इसको मैं लिख सकता हूं क्या कि एफ ऑफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई इज इक्वल टू लैम्डा जीरो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब इसको लैम्डा जीरो अभी भी वन है, ये कैंसिल कर देते तो भी वन ही होता, ये क्या बन गया, वापिस एफ ऑफ एक्स वाई है या नहीं है, वापिस एफ ऑफ एक्स वाई, तो f of lambda x comma lambda y is equal to lambda 0 f of x comma y। अगर वापिस वही सेम फंक्शन बन जाता है तो होमोजीनियस इक्वेशन है, अदरवाइज होमोजीनियस इक्वेशन नहीं है। मीन से
उप डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर से लैम्डा नहीं रहना चाहिए, बचना नहीं चाहिए लैम्डा, बिल्कुल वापिस सेम वही फंक्शन आ जाए जो हम स्टार्टिंग में लेके चले थे, एफ ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, तो होमोजेनियस इक्वेशन है। तो क्या लिखेंगे इसको, एफ ऑफ एक्स वाई इज ए होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री जीरो। एफ ऑफ एक्स वाई इज ए होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री जीरो, क्लियर। ये तो जो मेथड था स्टूडेंट्स, ये मेथड है कि हम किसी भी इक्वेशन को होमोजीनियस कैसे सेटिस्फाई करें अगर वो इक्वेशन होमोजीनियस है। जरूरी नहीं है कि कोई लीनियर होमोजीनियस होगी या कोई भी वेरिएबल सेपरेबल की फॉर्म होमोजीनियस होगी, तो इसमें कोई भी इक्वेशन हमें मिल जाए पहले उसको चेक करेंगे कि वो वेरिएबल सेपरेबल है या होमोजीनियस है या लीनियर है। तीन फॉर्म है डिफरेंशियल इक्वेशन से जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने, कितने मेथड है, थ्री। फर्स्ट लीनियर वेरिएबल सेपरेबल, नेक्स्ट होमोजीनियस और देन लीनियर। ओके, तो एक टाइप तो मैंने आपको करा दी है, कौन सी करा दी है, वेरिएबल सेपरेबल। सेकेंड फॉर्म चल रही है कौन सी, होमोजीनियस, और देन 9.6 के अंदर जो होगी वो क्या होगी, लीनियर फॉर्म होगी। ओके, अभी तक हमने जो किया ये प्रूव किया, प्रूव हुआ है कि होमोजीनियस इक्वेशन है। अब बात आती है सॉल्यूशन, तो इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए सॉल्यूशन क्या करेंगे वो देखिए, कि डिफरेंशियल इक्वेशन से, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से हमें क्या फाइंड करना, जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो जनरल सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे वो देखिए, तो सॉल्यूशन में पहले तो फंक्शन लिख लिया, डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। सेम स्टूडेंट सेम मेथड रहेगा जो मैं एक बार होमोजीनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करने का, तो हर क्वेश्चन में सेम होगा। तो आप एक बार चेक कीजिए, फिर मैं इसका एक या दो एग्जांपल और कराऊंगा। देखिए पहले तो ये देखना है कि जो भी इक्वेशन है वो dy by dx है या dx by dy। अगर dy by dx है, ध्यान से सुनना, फिर वापस रिपीट कर रहा हूं मैं, ये चेक करना है कि dy by dx है या dx by dy है। अगर dy by dx है तो जो हमारा सब्स्टिट्यूट होगा, पुट y इज इक्वल टू vx पुट करेंगे। अगर dx by dy है, फिर वापस रिपीट कर रहा हूं, अगर dx by dy है तो पुट क्या करेंगे, x इज इक्वल टू vy सब्स्टिट्यूट होगा। dy by dx है तो सब्स्टिट्यूट क्या होगा, y इज इक्वल टू vx, और dx by dy है तो पुट सब्स्टिट्यूट, dx by dy तो सब्स्टिट्यूट होगा, x इज इक्वल टू vy। नेक्स्ट, अब अगली बात, अगर किसी क्वेश्चन के अंदर ही y by x किसी भी एंगल में, ट्रिग्नोमेट्री के, लो के, या किसी के भी एंगल के अंदर y by x या x by y दिख जाए, तो हमें अगर y by x दिख रहा है तो वहां से dy by dx की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर किसी ट्रिग्नोमेट्री के या लॉगरिथम के या एक्सपोनेंशियल की पावर में x by y दिख जाए तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, dx by dy। अगर dy by dx है तो सब्स्टिट्यूट होगा y is equal to vx, अगर dx by dy है तो सब्स्टिट्यूट होगा x is equal to vy। तो मैं एक एग्जांपल इसका भी कराऊंगा और एक एग्जांपल इसका करा रहा हूं, dy by dx का एग्जांपल अभी करा रहा हूं, एक एग्जांपल कराऊंगा dx by dy का, जिसमें सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे, x is equal to vy, क्लियर। तो देखिए हर क्वेश्चन में जब भी dy by dx और होमोजीनियस इक्वेशन है तो सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे, y is equal to vx, क्लियर। इसके बाद हम करेंगे इसका डेरिवेटिव, किसके रेस्पेक्ट टू, x के रेस्पेक्ट में। dy by dx is equal to, ये दोनों वेरिएबल है, v भी वेरिएबल और x भी वेरिएबल है, तो प्रोडक्ट टू लगेगा, तो v as it is x का डेरिवेटिव क्या हो गया, 1, प्लस x as it is v का डेरिवेटिव क्या हो गया, dv by dx, क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, अब इन दोनों की वैल्यू को इक्वेशन वन मान के चल पड़ते हैं, जो भी हमारी स्टार्टिंग में इक्वेशन थी वहां पुट कर दीजिए, तो dy by dx की जगह क्या आ गया, v plus x dv by dx is equal to x square plus y की वैल्यू क्या है, vx, होल स्क्वायर करेंगे तो v square x square, डिनोमिनेटर में क्या आया, x square plus x, y की वैल्यू क्या होगी, vx, तो v into x square, क्लियर। फिर वापस रिपीट कर रहा हूं मैं, x तो है ही, y की जगह क्या आ गया, vx, vx into x क्या आ गया, vx square। अब यहां से हम चेक करेंगे ऑलवेज
क्या करेंगे, या तो एक्स स्क्वायर अगर होमोजीनियस इक्वेशन है तो, या एक्स क्यूब न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर से कॉमन आएगा और उसको कैंसिल कर देंगे ऑलवेज, ये स्टेप करेंगे। तो क्या आया, वी प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, क्या कॉमन आ रहा है यहां से, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर न्यूमिनेटर से कॉमन आ गया, क्या बचा, वन प्लस वी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर से एक्स स्क्वायर कॉमन आया तो क्या बच गया, वन प्लस वी, ये आ गया। अब क्या बचा, v प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन प्लस वी स्क्वायर अपॉन में वन प्लस वी। यहां तक स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। अगली बात पे आते हैं कि डीवी बाई डी एक्स एक्स डीवी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये कंप्लीट v की टर्म्स बची है, v की टर्म्स बची, तो जो यहां पे भी है इसको उस साइड लेके जाएंगे, तो कंप्लीट v v की टर्म्स को इकट्ठा करेंगे माइनस v। अब क्या करें, एलसीएम ले लेंगे, एक्स डीवी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन प्लस v, वन प्लस v स्क्वायर माइनस ए v माइनस का v स्क्वायर, v स्क्वायर से v स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ओके, एक्स डीवी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन माइनस v, वन प्लस v। यहां तक स्टूडेंट क्लियर हो गया होगा शायद आपको। अब जो अगला स्टेप है, अगले स्टेप में क्या करेंगे, अब हम लगाएंगे इस पे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। अब यहां पे v की टर्म्स है तो dv उस साइड चला जाएगा, मीन से ये सारी v की टर्म्स है तो इधर dv है तो इधर आ जाएंगी, और dx उस साइड चला जाएगा। तो क्या हुआ, इसको रेसिप्रोकल करके इस साइड ले, v प्लस वन और v माइनस वन इंटीग्रेशन, एक मिनट, चलो सीधा लिख दिया, वन प्लस वी अपॉन में वन माइनस वी डी वी इज इक्वल टू वन बाई एक्स डी एक्स, क्लियर। अब क्या करें, यहां से टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, अब यहां से क्या करूं मैं, डिनोमिनेटर से माइनस कॉमन ले लिया, तो वी प्लस वन बाई वी माइनस वन डी वी इज इक्वल टू वन बाई एक्स डी एक्स, ये स्टेप क्लियर। मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर से माइनस कैंसिल कॉमन लेके और बाहर ले लिया। अब देखिए, जो डिनोमिनेटर में वही चीज हमें न्यूमिनेटर में बनानी है, कैसे बनेगी, यहां माइनस वन है तो ऊपर भी माइनस वन, प्लस वन कर देंगे तो माइनस बाहर है, वी प्लस वन माइनस वन प्लस वन अपॉन में वी माइनस वन डी वी वन बाई एक्स डी एक्स, क्लियर। अब क्या करेंगे नेक्स्ट, यहां पे तो सेपरेट कर देते हैं, सेपरेट करेंगे तो क्या होगा, मैं जो है थोड़ा सा इस साइड कर देता हूं, इसको रब कर रहा हूं, देखिए अब क्या है, माइनस वी प्लस वी माइनस वन अपॉन वी माइनस वन प्लस टू अपॉन वी माइनस वन डी वी इज इक्वल टू वन बाई एक्स डी एक्स, क्लियर। देखिए मैंने क्या किया, जो डिनोमिनेटर में वैसा ही न्यूमिनेटर में बनाया, वी माइनस वन अपॉन में वी माइनस वन टू बाई वी माइनस वन वन बाई एक्स डी एक्स डी वी, क्लियर। अब इसको ये तो हो गया कैंसल, माइनस में वन प्लस टू वी माइनस वन डी वी इज इक्वल टू वन बाई एक्स डी एक्स। अब क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन करेंगे स्टेप के बाद, कैसे होगा, माइनस वन किसके रेस्पेक्ट टू, वी के रेस्पेक्ट टू, तो वन का क्या हो गया वी, प्लस टू लॉग मोड वी माइनस वन इज इक्वल टू लॉग ऑफ मोड एक्स प्लस सी। मैंने पहले ही बताया आपको कि सी एक साइड लगा लेंगे, या तो इस साइड लगा लीजिए या इस साइड। ओके, वी की वैल्यू क्या है, वी की वैल्यू जो पुट किया था हमने, पुट में वी की वैल्यू क्या थी, वाई बाई एक्स, तो वी की जगह पुट कर दीजिए वाई बाई एक्स, वाई बाई एक्स प्लस टू लॉग मोड वाई बाई एक्स माइनस वन इज इक्वल टू लॉग ऑफ मोड ऑफ वाई बाई एक्स प्लस सी। अब अगला स्टेप क्या है, चाहे तो हम इसको यहां छोड़ दें या इसको और भी आगे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो सब्स्टिट्यूट करना है तो आप सब्स्टिट्यूट कर लीजिए या इसको यहीं छोड़ दीजिए, क्लियर स्टूडेंट्स। ये बात होगी, मैंने होमोजीनियस क्वेश्चन को पहले तो क्या बताया इसमें, कि होमोजीनियस को पहले प्रूव कैसे किए, कोई भी इक्वेशन आ जाए, किसी भी इक्वेशन को ये प्रूव करना है कि ये होमोजीनियस इक्वेशन है या नहीं है, वो कैसे पता चला, कि हमने पहले पुट क्या किया, एक्स जो कोई भी फंक्शन दे रखा है, डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाली, उसको क्या माना कि एक फंक्शन मान लिया एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, हमने वहां पे पुट किया एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, वाई इज इक्वल टू लैम्डा वाई,
और हमने बाद में एफ ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई को किसके इक्वल दिखा दिया, एफ ऑफ एक्स वाई के इक्वल दिखा दिया, तो ये हमने प्रूव कर दिया कि ये होमोजीनियस इक्वेशन है डिग्री जीरो। क्लियर। इसके बाद हमने क्या फाइंड किया, सॉल्यूशन फाइंड करना है। मेन से डिफरेंशियल गिवन थी और इससे हमें क्या फाइंड करना है कि एक जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। जनरल सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे कि डीवाई बाई डी एक्स को लेके चल पड़े उस इक्वेशन की, डीवाई बाई डी एक्स को लेके चले तो वहां पे अगर डीवाई बाई डी एक्स है तो हमें जो सब्सटीट्यूट करना है क्या होगा, पुट वाई इज इक्वल टू वी एक्स। अगर डी एक्स बाई डी वाई है तो सब्सटीट्यूट होगा एक्स इज इक्वल टू वी वाई। क्लियर। अब उसके बाद उसका डेरिवेटिव करना है और दोनों को इक्वेशन में वन में पुट करना है। पुट करने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद फिर लास्ट में क्या लगा देंगे, हम वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म लगा देंगे। वेरिएबल सेपरेबल के बाद एक इक्वेशन आ जाएगी, वहां से फाइंड हो जाएगा कि ये जनरल सॉल्यूशन आ गया जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वन आएगा। क्यों, कि ये एक ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन थी, इसका मतलब एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएगा जनरल सॉल्यूशन में, वो क्या आया, सी। क्लियर। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, इसके एक या दो क्वेश्चन और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको अपलोड करूंगा। थैंक यू।